गजब है भाई, गजब। उत्तरी तो उसके अंदर बहुत सारे इंडियंस होते हैं एंड दे हैव ऑल यू नो दे ऑल हैव अमेरिकन पासपोर्ट्स। तो उसमें से बहुत लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत फनी लोग होते हैं। जैसे कि मेरा पर्सनल इंसिडेंट है, गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। हम लोग, अगर आप हमारी जर्नी फॉलो कर रहे हो, आज हम लोग हैं अबू धाबी में। कल का दिन अबू धाबी घूमे, आज टाइम आ चुका है अगले पड़ाव पे निकलने के लिए एंड वी आर गोइंग टू दुबई। वन आवर लगेगा, बट हम थोड़ा सा बीच में स्टॉप ओवर लेंगे तो थोड़े और ऐड कर सकते हैं, 20-25 मिनट डिपेंडिंग, हम लास्ट एग्जिट रुकने वाले हैं। ओके, बट हमारे को जाने से पहले गाड़ी साफ करानी है, क्योंकि गाड़ी अगर साफ होगी तो तेज चलेगी। उसमें मिट्टी का वेट कम हो जाएगा ना, वेट कम हो जाएगा। दिस इज बिफोर द कार वॉश। और हम लोग अभी यहाँ से चाय लेने आए हुए हैं। पहली बात तो ये कि आपको अंग्रेजी में नहीं देना ऑर्डर, आते ही तीन चाय सब समझ में, हिंदी समझ। 7.5 दिरहम का बिल है, 500 दिरहम तोड़वा दो, नहीं मना करेंगे। नो, आई ओनली हैव 500। मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो कल शॉर्मा खाया था, हाँ, आपको उससे ज़्यादा बेटर ये वाला शॉर्मा लगेगा। तब तक हमारी गाड़ी भी धुल जाएगी और चाय भी हो जाएगी अपनी। चाय एंड शॉर्मा, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ऑलराइट, गाड़ी हमारी धुल गई है, यहाँ पे ड्राई हो रही है, तब तक शॉर्मा भी आ गया, इसको निपटाते हैं। लो जी शुरू करो। मैं आंखें बंद करके बात करूंगी प्लीज। मेरा चश्मा ले ले, दूं चश्मा। बड़ी धूप है, हमें आदत नहीं है इतनी धूप की। खुली मेरी, अच्छा है, बढ़िया। ऑलराइट, कार वॉश डन, कड़क चाय डन, छोटा सा एक ब्रेकफास्ट डन, अब दुबई के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में रुकेंगे किसी बढ़िया जगह पे। रोड ट्रिप टू दुबई स्टार्ट्स नाउ। Guys, look at this building. ये एक sort of एक iconic building है अबू धाबी की। एक builder है अलदार, उसका corporate office है। तो यहाँ पे तो फोटो बनती है। ये सर्कुलर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कॉइन बना हुआ है। और एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे लिखा है नो स्विमिंग। इस ब्रिज के ऊपर स्विमिंग करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। यार यहाँ स्पीड लिमिट 140 की है। 140 yes। और पूरे कनाडा में कहीं है ही नहीं। अलेन में 160 भी है। 160 yes। लोग तो उससे भी ऊपर चलाते होंगे फिर। हाँ, अगर किसी को आइडिया है कहाँ कैमरास तो ये, क्योंकि यहाँ बहुत कैमरास हैं। फुल्ली हर 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर बाद देयर इज अ कैमरा। अबू धाबी के चक्कर तो लगते रहेंगे प्रेरणा, तू टिकट करवाती रहेगी, हम आते रहेंगे। सड़क भी बढ़िया बना रखी है, पूरी रेस ट्रैक जैसे। सो अभी अबू धाबी से दुबई जाते हुए बिल्कुल बॉर्डर पे ये बना हुआ है लास्ट एग्जिट, विच इज लाइक अ रेस्ट एरिया कह लो, या यहाँ पे ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। बट बड़ी अच्छी थीम है यार यहाँ की, बिल्कुल जैसे यूएस में वो होते हैं ट्रेलर पार्क।
उसकी थीम पे बना हुआ है, फूड ट्रक्स लगे हुए हैं रंग बिरंगा, बिल्कुल कलरफुल ब्राइट कलर्स। भाई दरवाजों के हैंडल देखो यार, अल्टीमेट थीम बना रखे यार इन्होंने, पूरी पेट्रोल पंप की थीम है ये तो। भाई वॉशरूम है इनका, गजब है भाई, गजब गजब वॉशरूम बना रखा है यार। कोई कस उत्तरी हाथ धोने के लिए, इसे पानी कहां से चलेगा ये क्या? गजब भाई, रेस पे पांव रखो जैसे गाड़ी चला रहे हो और हाथ धो लो अपना। मुझे सिक्के भी डाल दो पार्किंग के लिए। गजब बना रखा भाई, एकदम अल्टीमेट मैंगो वन इज अल्टीमेट। अल्टीमेट है, बहुत अच्छा है यार। मतलब इट्स अ रेस्ट एरिया बट वेरी यूनिक। ताज का क्या होटल है क्या? हाँ होटल है, ताज होटल। कौन खड़ा है वहाँ पे? अच्छा वो उसको डिस्ट्रैक्ट करके खड़ी हुई है उसको, ताकि पता ना चले। इसने भी नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, हमारे को नहीं देखा। इसको पता नहीं कहाँ दूर। ये हमारा दूसरा चक्कर है यहाँ से, यहाँ से हमने कहा हेलो नितारा, ये पहले साइड पे इधर ले लो। हाँ वो उस बस टैक्सी निकल रही है। हेलो पहले मामी को। हेलो जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। बड़ी देर हो गई यार हमारे को, हमने बच्चों को साक्षी को उतार दिया यहाँ पे और पार्किंग के लिए बड़ी देर हो गई यार। मतलब ढूंढे जा रहे हैं हम, पार्किंग नहीं मिल रही यार कहीं। बहुत पंगा है यार, पार्किंग नहीं मिल रही। अभी एक बंदा आया कह रहा मैं हटा लेता हूँ मेरी जगह पे, कर लो गाड़ी 20 दिरहम दे देना मेरे को। मैं नहीं जी, आप रहने दो, हम अपने आप। और ये यहाँ पे एक वो है भाई, पर ये खाली यहाँ भी लग रही है, सारी भरी पड़ी है, पार्किंग नहीं है भाई कोई। इतनी जहाँ पे ऊंचे ऊंचे टावर बना रखे हो ना वहाँ पे, और ये निकली है क्या गाड़ी, वापस जा रही है। जहाँ इतने ऊंचे ऊंचे ऐसे टावर बने हो ना, यहाँ पे पार्किंग इनफ होनी चाहिए भाई। किसी के रिलेटिव आए हैं, फ्रेंड्स आए हैं, पार्किंग नहीं है यार। नहीं बिल्डिंग के नीचे कोई है ही नहीं भाई, पैसे लेके कुछ भी है ही नहीं बिल्डिंग के नीचे पार्किंग। ओ ये गाड़ी निकली जा रहा है, ये निकल रहा है। ओहो सामने मिल गई, पीछे कर ले भाई, ये जा रही है, निकल रहा है, चल रहा है, रख ले। कोई भी नहीं है, मौज हो गई। एग्जैक्टली 32 मिनट्स में पार्किंग मिली हमें, पार्किंग लगाई है। लगाते लगाते ही दो लोग आ गए पूछने के लिए, आप निकल रहे हो क्या, हमें दे दो ये वाली पार्किंग। अच्छा गाइस, अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी ड्रोन शॉट्स मिले तो वो ड्रोन शॉट्स हमारे नहीं हैं, हमने कहीं ना कहीं से मारे हैं वो ड्रोन शॉट। क्योंकि दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपको ड्रोन लाना अलाउड नहीं है, उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है जो कि फॉरेनर्स को इतनी आसानी से मिलती नहीं है। एंड सेम सिचुएशन इज़ हमारे लिए इंडिया जाने में, इंडिया में भी हमको अलाउड नहीं है ड्रोन लेके जाना। एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि ड्रोन उड़ाना भी अलाउड है या नहीं है, बट मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। आप में से अगर किसी को पता हो कि अगर दिल्ली या उसके आसपास मेरे को ड्रोन कहीं पे रेंट पे मिल सके, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का मिनी 3 या प्रो या ऐसा कोई, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आपको कोई अगर ऐसी ऑप्शन पता हो तो। मेरी खुद की हालत ख़राब कर दी है। आज की जो हमारी ट्रिप है ये सफल हो पाई है आबू धाबी से दुबई की, श्रेय जाता है प्रेरणा को। तो क्रू में है, बट कल वाला जो हमारी फ्लाइट थी यार, क्रू तुम्हारा बहुत अच्छा लगा यार मेरे को।
लाइक एज कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस ऑनेस्टली, मतलब मैंने इतने स्ट्रेस के बावजूद, इतने स्ट्रेस में थे सारे लोग, 24 घंटे से कर रहे थे सारे क्रू वाले काम, बट लेकिन मैंने सारे कर्टियर्स थे। हेलो जी, वेलकम, हमारा वेलकम है जी हमारा। हेलो जी तारा, वेलकम टू माय माइका। अभी साला नहीं पहुंचा यहाँ पे, तब असली पूरा होगा। अभी हम ना खाना खा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खाना बना हुआ है, मज़ा आ रहा है। और साथ में प्रेरणा शेयर कर रही है अपनी क्रू की बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। यूएस फ्लाइट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे इंडियंस होते हैं एंड दे हैव ऑल यू नो दे ऑल हैव अमेरिकन पासपोर्ट्स, तो उसमें से बहुत लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत फनी लोग होते हैं। जैसे कि मेरा पर्सनल इंसिडेंट है कि मेरे पास कोई आया और मुझे ऐसे बोलता पासपोर्ट दिखा के, मेरे पास यूएस पासपोर्ट है, लाइक ही स्पोक टू मी इन इंग्लिश, आई हैव यूएस पासपोर्ट व्हिच इज अ वॉशरूम फॉर यूएस पासपोर्ट। सही में प्लीज वेट, वी हैव टू बिल्ड। क्या मेरे पास यूएस पासपोर्ट है तो यूएस पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अलग वॉशरूम? फिर क्या बोला तूने उसको? मैंने बोला देखो सर, आपके पास यूएस पासपोर्ट है, आपके पास कैनेडियन है, आपके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, वॉशरूम यही है, वो आपकी मर्जी है, आपको यूज कर रहे हैं या आपको 10 घंटे वेट करके और कहीं पे यूएस पासपोर्ट होल्डर वॉशरूम ढूंढना है, तो हम छुआ छूत में बिलीव नहीं करते। तो ये बहुत फनी चीज है, लाइक द फनीएस्ट यू नो इंसिडेंट हैज हैपेंड। हम लोग कहते दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज रियल थिंग, ऐसा तो नहीं है ना कि होता है, तो तभी तो उस रेफरेंस से उसने पूछा, मतलब नहीं होता है ऐसा। वॉशरूम क्यों पूछ रहा है वो ऐसे? मैंने बोला ना यूएस पासपोर्ट अपने सुपीरियर लोग हैं, उनको लगा कि वो लाइक मे बी ही सुपीरियर देन अदर। मैंने शायद ये भी बोला था कि सर सिर्फ आपके पास नहीं, जितने लोग हैं ऑलमोस्ट सबके पास यूएस पासपोर्ट है यहाँ पे, तो सबका एक ही वॉशरूम है, डजंट मैटर व्हिचएवर पासपोर्ट यू हैव, एवरीवन हैज टू यूज द सेम वॉशरूम, एवरीबॉडी इज इक्वल। यस, दैट्स द मेन पॉइंट, एवरीवन इज इक्वल। वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, आई थिंक ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। अगर आप में से किसी को कैबिन क्रू बनना हो और कोई सवाल हो ना, तो मैं प्रेरणा का इंस्टाग्राम लिंक कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हो। कितने साल हो गए तेरे को टोटल फ्लाइंग करते? हाँ? More than 10 years. 10 years. तो आई थिंक आप में से अगर कोई हो जिनको फ्लाइंग का शौक हो, ट्रैवल का शौक हो, इंस्टाग्राम भी है, बहुत ट्रैवल करती है प्रेरणा, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। और आपके कुछ सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। राइट, इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। टाटा, बाय बाय, बाय बाय।